तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, ये हमने जाना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन। और आइए अब रुक करते हैं आचार्य पी खुराना जी का और जानते हैं अंक शास्त्र के अनुसार कैसा रहेगा आपका दिन। नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन, सत श्री अकाल। मैं हूं आचार्य पी खुराना। हमारे विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर मूलांक यानी हर डेट ऑफ बर्थ का एक खास ग्रह है, एक अंक है, एक रंग है, एक दिशा है, एक मंत्र है, जो बनाता है आपको शक्तिशाली, विद्वान, धैर्यवान एवं भाग्यवान। उसी आधार पर हम आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। क्या है आपका लकी कलर, क्या है लकी नंबर, और क्या है सावधानी, और क्या है खास उपाय आज का जो आपको बनाएगा तकदीर का बादशाह, एवं उलझनों से राहत मिलेगी। ईमेल के जवाब देंगे, ज्ञान सूत्र में बताएंगे कि नाखून को खाना या चबाना ज्योतिष दृष्टिकोण से किस प्रकार आपके लिए भयानक हो सकता है। मैजिक नंबर भी बताएंगे और मंत्र भी बताएंगे। बात करते हैं आज के भविष्यफल की। जिनका मूलांक एक है, यानी कि जिनका जन्म 1/10/1928 को हुआ है, वो सूर्य ग्रह से प्रभावित है। आज लिया गया कोई भी फैसला वो आपको लाभ देगा। फैसला चाहे पुत्र के बारे में है, संतान के बारे में है, धन के बारे में है, कारोबार के बारे में है, भविष्य के लिए धन जमा करने के योग बन रहे हैं। लकी कलर इज रेड एंड लकी नंबर इज 4। आज का उपाय क्या कहता है? अनाथालय में गुप्त दान कीजिएगा। सावधानी क्या है? किसी का हक नहीं मारना। मूलांक 2 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 2/11/20 या 29 को हुआ है, तो आप चंद्र ग्रह से प्रभावित हैं। चंद्र मन सुजात। चंद्र कहता है कि आपको अपना ध्यान स्वयं रखना पड़ेगा। बीमार व्यक्ति की मदद करने के आसार है, लेकिन उसका आपने ध्यान रखना है। आपने अपना चेहरा ढक के जाइए, दूसरों की बात को जरूर सुने, मगर करें अपने मन की। लकी कलर इज मैरून एंड लकी नंबर इज 16। आज का उपाय क्या कहता है? घर की पश्चिम दिशा में पानी रखे। सावधानी क्या है? अपने दिल की बात किसी को मत बताइएगा। मूलांक 3 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 3/12/21 या 30 को हुआ है, तो आप गुरु ग्रह से प्रभावित हैं। सामाजिक दायरा आपका बहुत बड़ा है, दूरी मत बनाए। सामाजिक दायरा आप बढ़ने दीजिए, लोग आपका सत्कार करेंगे। लेकिन एक बात है, जंक फूड की आदत त्यागिए, आप और आपके बच्चे भी। लकी कलर इज ब्लू एंड लकी नंबर 12। और आज का उपाय क्या कहता है? 10 के नोट पर चंदन लगाकर अपने पास रखें। सावधानी क्या है? बिल्कुल आपने किसी की चापलूसी नहीं करनी। बातों के पकवान से धीरा नहीं कोई। मूलांक 4 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 4/13/22 या 31 को हुआ है, तो नौकरी का एक अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा। वाहन खरीदने का पूर्ण योग बना हुआ है। लकी कलर येलो एंड लकी नंबर 8। और आज का उपाय क्या कहता है? तांबे के बर्तन में पानी और गुड़ डालकर सूर्य को अर्पित करें। सावधानी क्या कहती है? अपने खान पान का नियंत्रण रखें। मित्र भोजनम स्वास्थ्यम। मूलांक 5 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 5/14/23 को हुआ है, तो आप बुध ग्रह से प्रभावित हैं। अपने फैसले पर बिल्कुल डटे रहे। साक्षात्कार, इंटरव्यू, ऑडिशन, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लकी कलर व्हाइट एंड लकी नंबर 2। और आज का उपाय क्या कहता है? दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जपजी साहब का पाठ करें, या बाइबल का चैप्टर 7 सेंट मैथ्यू का पढ़ें। सावधानी क्या है? किसी व्यक्ति की आपने जमानत नहीं देनी, किसी व्यक्ति की गारंटी नहीं देनी। आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम एस्ट्रो मंत्र। मैं हूं आचार्य पी खुराना। नाखून को खाना या चबाना, इसका आपके ऊपर असर क्या होगा, इसका इंतजार कीजिए और मैजिक नंबर आपको बताएंगे। प्रोग्राम के आखिर में भी ईमेल की बात करते हैं। प्रश्न करता है अभिषेक शिमला से। इनका डेट ऑफ बर्थ 23rd अक्टूबर 1991।
ये कहते हैं जी मेरा कोई भी काम संपूर्ण नहीं होता, हर कार्य में अड़चन आती है, क्या मेरी कुंडली में कोई दोष है? देखिए ये प्रणाम आपका अंक ज्योतिष के अनुसार है और इसमें दोष कैसे होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका मूलांक 2 और 3 मिलाकर 5 बनता है, 5 अंक जो अपने आप पे फीमेल प्लैनेट है और अक्टूबर का महीना जो है वो शुक्र से प्रभावित है, वो भी फीमेल प्लैनेट है। जब इनको टोटल करते हैं वो भी आपका 6 बनता है, वो भी फीमेल प्लैनेट है। जब सारी कुंडली में फीमेल प्लैनेट हो तो इंसान का उत्साह अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रुक जाता है, गति रुक जाती है, स्पीड रुक जाती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसलिए आपने एक तो रूबी धारण कीजिए जिसका वेट कम से कम 6.25 रहती, चांदी में डालना है, संडे के दिन डालना है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की गई ईमेल आईडी पर हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपका इंतजार करेंगे बात करते मूलांक 6 की। जिनका मूलांक 6 यानी कि जिनका जन्म 6/15/24 को हुआ है, आप शुक्र ग्रह से प्रभावित है, कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर आप सच्चे हैं तो आपको विजय प्राप्त होगी। छोटी छोटी बचत से आपको लाभ के योग बन रहे हैं। लकी कलर इज ग्रे, लकी नंबर इज 14। और आज का उपाय क्या कहता है, गंगा जल में 7 तुलसी के पत्ते डालकर घर की उत्तर दिशा में रखिएगा। सावधानी क्या है, अपना वाहन आज आपने किसी को नहीं देना और किसी दूसरे का वाहन भी आपने नहीं लेना, मतभेद हो जाएगा। मूलांक 7 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 7, 16 या 25 को हुआ है तो आप केतु ग्रह से प्रभावित है। आज आप खुद में व्यस्त रहेंगे, खर्चा आपका बढ़ेगा, भाग्य आपका साथ रहेगा। लकी पिंक, लकी नंबर इज 23। आज आपका उपाय क्या कहता है, सरसों के तेल का दिया धर्म स्थान पर जाइएगा। सावधानी क्या है, अपना पर्स, अपना मोबाइल, अपनी ज्वेलरी संभाल के रखिए। मूलांक 8 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 8, 17 या 26 को हुआ है तो आपको अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है आज के दिन। लाइफ इज ए चैलेंज, एक्सेप्ट इट, कबूल कर लीजिए, प्रभु की कृपा आज आपके ऊपर रहेगी। नए प्रेम संबंध सोचकर समझकर बनाइएगा। लकी कलर इज ग्रीन एंड लकी नंबर इज 6। और आज का उपाय क्या कहता है, अपनी माता, अपनी बहन, अपनी बेटी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सावधानी क्या है, वाहन का प्रयोग ध्यान से कीजिए। मूलांक 9 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 9, 18 या 27 को हुआ है तो आप मंगल ग्रह से प्रभावित है। सफलता आपके कदम चूमेगी, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, दूसरों के कार्यों में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। लकी कलर इज सैफ्रन, लकी नंबर इज 9। और आज का उपाय क्या कहता है, तुलसी की माला खरीदना आज आपके लिए शुभ है। सावधानी क्या है, अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहिए। ये था आपका भविष्यफल आपके मूलांक और सर। अब बात करते हैं ज्ञान सूत्र की, सुनिए। अक्सर हम देखते हैं नाखून का खाना या चबाना ये एक आदत है। अगर हम ज्योतिष दृष्टिकोण को लें, नाखून का बढ़ना, पहले तो वो जानिए, नाखून का बढ़ना इट्स अ सिंबल ऑफ ग्रोथ ऑफ योर लाइफ। 9 के 9 ग्रह हमारे हाथों में विराजमान है। अगर आप नाखून खाने या चबाने की आदत है, यानी इसका मतलब यह है कि आप जितने देवी देवताएं हैं उनको आप नाराज कर रहे हैं और आपके ग्रहों को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए नाखून कभी मत खाइए। उससे क्या होगा, किसी प्रकार का बड़ा नुकसान हो सकता है, पढ़ाई में अड़चने आ सकती हैं, बीमारी हो सकती है, शादी में समस्या आ सकती है, करियर में रुकावट आ सकती है और अपने कारोबार में नुकसान हो सकता है। इसके साथ अगर आप किसी को मोहब्बत करते हैं उसमें दरार आ सकती है, नाखून खाना। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नाखून खाना समझो कि आप अपनी कब्र खोद रहे हैं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ पॉइजनिंग। अब एक आपको उपाय बता रहे हैं, नाखूनों का बार बार टूटना यानी कि आपके ऊपर शनि ग्रह का प्रभाव है, आप किसी वक्त भी कलंकित हो सकते हैं, अपमानित हो सकते हैं, क्या करें, 8 शनिवार को नाखून काटकर
पहले बढ़ा लीजिएगा, नाखून काटकर उसको जल में प्रवाह कर दीजिए, बड़े से बड़ा शनि का कष्ट आपसे टल जाएगा। मैजिक नंबर की बात करते हैं, 1177788। सफेद कागज पर लाल पेन से लिखें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 11 बार, उसके बाद मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ए हरि वित्तेश्वराय नमः। और उस कागज को अपने पास फोल्ड करके रख लीजिए, जितना मर्जी बड़ा संकट हो आज के दिन टल जाएगा, एवं मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। ओम तत्सत। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। आचार्य पी खुराना को दीजिए इजाजत। हम कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दर्शकों, आपने जाना एस्ट्रो मंत्र के माध्यम से कैसा रहेगा आपका दिन। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, जानेंगे सितारों का हाल। दीजिए इजाजत आज के लिए, नमस्कार।